हाय गाइस, मैं हूँ आकांक्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल बटन को भी क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाले मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तोरण बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है आम के पत्ते और कुछ अगरबत्ती की सीखें। जब अगरबत्ती जल जाती है तो जो पीछे लास्ट में लकड़ी बचती है वो हमने यहाँ पर ली हुई है। और हमको चाहिए कोई धागा या कलावा। मैं यहाँ मोटा कलावा ले रही हूँ। आप यहाँ पर ऊन भी ले सकते हैं, कोई और कलावा ले सकते हैं। मैंने ये कलावा इसलिए लिया है क्योंकि ये पूजा के लिए हम बना रहे हैं, तो ये पूजा के लिए शुभ होता है कलावा। और आम के पत्ते भी हमारी पूजा के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं, इसलिए हम आज जो तोरण बना के तैयार करेंगे वो आप जो गेट होते हैं उन पर लगा सकते हैं, पूजा की अलमारी में लगा सकते हैं। ये बहुत शुभ है इस दिवाली के अवसर पर। हमने लिया है आम का पत्ता, ये फ्रंट है इसका, ये बैक है। तो हमको इसको ऐसे मोड़ना है हल्का सा, हमको यहाँ प्रेस नहीं करना है क्योंकि हम प्रेस करेंगे तो ये टूट जाएगा। हल्के से इसको फोल्ड करना है और फिर एक अगरबत्ती की लकड़ी लेनी है। इसको ये थोड़ी बड़ी है तो इसको हम हाफ में डिवाइड कर लेंगे, टू पार्ट्स में। अब इसको हम जो बैक है वहाँ से इसमें एक हल्का सा बस फोल्ड करेंगे जितना हमारी ये लकड़ी चली जाए, और इसको तुरंत ही इस साइड से लाके इसको बैक में इंसर्ट कर दें ऐसे। पीछे ये ऐसे हो जाए। एक और मैं खुद करके दिखाती हूँ। तरीके से अपनी बाकी की पत्ती को भी फोल्ड कर लेंगे। मैंने सारे जो आम के पत्ते हैं उनको फोल्ड कर लिया अच्छे से। आपका जितना बड़ा गेट है उसके अकॉर्डिंग जो आम के पत्ते हैं उनको ले सकते हैं। अगर आपका गेट बड़ा है तो आप ज्यादा पत्ते लीजिए, अगर छोटा है तो छोटे कम पत्ते लीजिए। हमने यहाँ पर कलावा लिया है। कलावा पूजा के लिए शुभ माना जाता है। अगर आपके पास कलावा नहीं है तो आप कोई मोटा धागा या फिर ऊन का भी उपयोग कर सकते हैं। फिर धागे को या कलावे को आप फिर डाल दीजिए और उसको अच्छे से आप एक बाल्टी में डाल दीजिए, फिर ये धागा निकलेगा। अब इस स्विकी हेड से हम जो ये हमारे पत्ते हैं इसको अंदर रोते जाएंगे। यहाँ से आप डालेंगे ये जो होल है उसमें अंदर आराम से चले। हल्दी ली है और कुमकुम लिया है। अब इसको हमको अपने जो पत्ते हैं उन पे लगाना है। सबसे पहले हम यहाँ कुमकुम लगाएंगे। अब हम हल्दी को लगाएंगे। हमारा तोरण बनके तैयार हो गया है।
आप इस तोरण का जो साइज है वो अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आपका गेट का साइज छोटा है तो आप छोटा तोरण बना सकते हैं, अगर आपके गेट का साइज बड़ा है तो आप ज़्यादा पत्ते यूज़ करके बड़ा तोरण बना सकते हैं। आप इसको भगवान जी की अलमारी के सामने, अपने गेट पे, कहीं भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं जो हमारा तोरण है ऐसे बन के तैयार हो गया।